हम कार्बेटर बिना खोले आपको माइलेज सेटिंग करने का तरीका बतलाएंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक हुंडा कंपनी का साइन SP 125 CC बाइक है। अभी इस बाइक का हम माइलेज सेटिंग करने वाले हैं। अगर उसके बाद हम बात करें तो बाइक काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रहा है, बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। इन दोनों प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन पा सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। जैसे बाइक को हम यहाँ पर चौक दे देंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बाइक स्टार्ट हो गया, बाइक में कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चौक से सेट कर दिए, फिर से मिसिंग कर रहे हैं, बाइक बंद भी हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए बाइक बंद हो रहा है तो हमने राइट साइड का पैनल भी ओपन कर लिया। या तो आप बाइक को कार्बेटर को थोड़ा ना ढीला करके उसको टेढ़ा करना पड़ेगा, कार्बेटर खोल करके बाहर निकाल जाएगा। उसके बाद ही आप प्रॉपर फ्यूल और एयर मिक्सर को स्क्रू, फ्यूल और एयर का जो मिक्सर स्क्रू है उसको आप प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस बाइक का कार्बेटर को ओपन नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड से ही आपको हम कार्बेटर बिना खोले आपको माइलेज सेटिंग करने का तरीका बतलाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लेफ्ट साइड में। साइड से बिना कार्बेटर खोले माइलेज सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ से बाइक का, देखिए बैटरी को हमने सेट कर लिया, बैटरी बॉक्स से बैटरी को सेट कर लिया है। फाइनली बैटरी को खोल करके बाहर नहीं निकाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए फाइनली जो है सो बैटरी का जो बॉक्स जो है ये, इसको देखिए यहाँ से 2 10 mm का बोल्ट लगा रहा था, यहाँ पर 3 इंच हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे जो देखिए कुछ वायर है इसको हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो देखिए ये जो इसके अंदर में आपको शायद कैमरा में दिख रहा होगा, ये जो आपका स्क्रू दिख रहा है यही है फ्यूल और एयर मिक्सर स्क्रू। तो आप तो यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से भी रन नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड देखिए उस तरफ से हमने एक फुट रख दिया क्योंकि उस तरफ से जो रोशनी आ रहा था यहाँ पे प्रॉपर फ्यूल मिक्सर स्क्रू नहीं दिख रहा था। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सब टोटल पार्ट को इस तरफ से हमने ओपन कर लिया इस तरफ से। उसके बाद आपको यहाँ पे साइकिल वाले स्पोक है, इस स्पोक के हमने यहाँ पे कुछ पीट करके यहाँ पे देखिए हमने स्क्रू ड्राइवर बना लिया, पेचकस बना लिया, थोड़ा लंबा रही भी है, इससे प्रॉपर फ्यूल और एयर मिक्सर जो स्क्रू है प्रॉपर रन हो जाएगा। इस तरह से हमने देसी जुगाड़ तरीका से यहाँ पे देख रहे हैं हम स्क्रू ड्राइवर बनाए, पेचकस बनाए हैं और ये काफ़ी पतला भी है। अब उसके बाद यहाँ पे चलिए करना क्या है, आप इस तरह से नॉर्मल अपने घर पर भी बाइक का माइलेज सेटिंग कर सकते हैं और स्टार्टिंग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फ्यूल और एयर मिक्सर स्क्रू है इसको देखिए इस तरफ से आपको करना क्या है, यहाँ से इसको फुल टाइट कर लेना है। देखिए स्क्रू जो है फुल टाइट हो गया, इसको फुल टाइट करने के बाद आपको बाइक को स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम बतला रहे हैं उसी तरह से आप माइलेज सेटिंग कीजिएगा, उसके बाद ही माइलेज सेट हो पाएगा। फुल टाइट करने के बाद आपको करना क्या है, उसके जस्ट बाद इसको आस्ते आस्ते कर गिनती करके ढीला करना है, 1 2 3। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको आस्ते आस्ते करके गिनती करके 9 राउंड ढीला कर लेना है। 9 राउंड ढीला करने के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, आपको 9.25 राउंड ढीला कर लेना है। देखिए अब 9.25 राउंड हम इसको ढीला कर लिया। अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखला रहे हैं। चलिए अब हम बाइक को यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए बाइक स्टार्ट हो गया, देखिए बाइक फाइनली स्टार्ट हो गया। बिना चौक का बाइक स्टार्ट हो रहा है, देखिए बाइक का RPM भी प्रॉपर से है। अगर ये इस तरह से सेटिंग करने के बाद अगर आपके बाइक का RPM कम रहा है, अगर RPM कम रहा है तो आप इस वाले स्क्रू को आप थोड़ा टाइट कीजिएगा तो RPM बढ़ जाएगा। अगर RPM ज़्यादा हो गया है तो आप यहाँ से नॉर्मली इसको RPM को कम कर सकते हैं, स्पीड को कम बेसी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए किस तरह से हमने बाइक का माइलेज सेटिंग किया, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिए। अगर इतना स्टेप फॉलो करने के बाद फिर भी आपका बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, बाइक मिसिंग कर रहा है, उसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।